आंवला वजीरगंज मार्ग पर मानक के अनुसार नहीं हो रहा है कार। तहसील नगर से वजीरगंज मार्ग पर काफी समय से क्षतिग्रस्त था, जिसकी शिकायत लगातार अधिकारियों से की गई। इसके साथ साथ आंवला विधायक धर्मपाल सिंह, पशुधन मंत्री से भी नगर के व्यापारियों ने शिकायत की थी। इसके साथ साथ हिंदूवादी संगठनों ने भी इसकी आवाज उठाई। उच्च अधिकारियों से संज्ञान में आने के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया है, लेकिन व्यापारियों ने आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की। मीडिया को बुलाकर उन्होंने बताया कि अधिकारियों की सांठगांठ एवं ठेकेदारों द्वारा गोलमार करते हुए मानक के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, इसकी जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए और सड़क निर्माण कार्य मानक के अनुसार करवाया जाए, इसकी मांग की। क्या कहेंगे इसके बारे में आज? साहब बढ़िया ना बन रहा हूँ खास दिन। अच्छा, गुणवत्ता ठीक है इसकी? दूध रही है कि गुणवत्ता ठीक रहे या नहीं है? नहीं नहीं, कहीं कहीं तो भाजी कहीं है ही नहीं माल, कहीं कहीं तो बिल्कुल नहीं है, ऊपर खाली काले काला दिखाई दे रहा है। नहीं देख लो, कहीं मत देखो, यही देख लो कम से कम। अरे पाँच साल की स्थिति में भी नहीं चलने की, ये फायदा क्या है डालने से? आंवला वजीरगंज मार्ग टूटा हुआ पड़ा था, इस पर आपने दो चार बार इसका जो है आपने अधिकारियों के संज्ञान में भी डाला था, जिसकी समाचार पत्रों में खबर भी छपी थी, लेकिन अब इस पर जो है संज्ञान हो रहा है, लेकिन इस क्या कारण रहा जो कि अब भी मानक के अनुसार नहीं लग रहा है इसमें? देखिए, ये मैं पिछले 3 साल से इस रोड के निर्माण के लिए मैं बराबर प्रयासरत हूँ। करीब 5 से 6 बार मैं SDM साहब को भी ज्ञापन दे चुका हूँ व्यापार मंडल के द्वारा, और मंत्री जी से भी कई बार कहा जा चुका है, जो इस समय वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है। यह रोड 38 वर्ष पहले पूर्णतः रूप से पड़ा था, इसके बाद एक राजीव जी हैं बरेली के, उनके द्वारा ये रोड का कार्य करवाया गया था, लेकिन तब भी यह मानक के अनुरूप नहीं हुआ था। वो तो अब सुनने में ये आ रहा है कोई वकील ठेकेदार हैं बरेली के रहने वाले हैं, अब वो ये रोड डाल रहे हैं, लेकिन अब भी रोड मानक के अनुरूप नहीं पड़ रहा है। और इसमें किन अधिकारियों की धांधली हो रही है या क्या हो रहा है, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मेरी माननीय कैबिनेट मंत्री और सांसद जी से विनम्र निवेदन भी है, अनुरोध भी है कि ये रोड अपने सामने ही अपने कार्यकर्ताओं के सामने पड़वाएं, जिससे कि भ्रष्टाचार बिल्कुल ना हो और इस रोड को आगे चल के सब लोगों को फायदा मिले, क्योंकि ये रोड कम से कम 20 गांव को कनेक्टेड करता है, और इस रोड के टूटने से आंवला वासियों के व्यापारियों का नुकसान बहुत बड़ा है। यहाँ के जो ग्राहक हैं आंवला क्षेत्र में आने वाले, वो अब सब वजीरगंज जाने लगे। जैसा कि आप वहाँ पहुँचे, तो आपने क्या रोड में कमी पाई है जी? देखिए, आज हम और 3-4 लोग उस रोड का इंस्पेक्शन करने गए कि हम भी देखें भाई रोड बनना है तो किस तरह से बनना है, लेकिन जब हमने वहाँ जाके देखा तो रोड की जो पपड़ियाँ थी वो हाथों से उठ रही थी, और सारा रोड का जो मटेरियल था वो मिट्टी में मिला हुआ था दोनों किनारों से, और जो ऊपर का उसका मलट है वो हाथों से उखड़ रहा था, ये उसकी वो हमने देखी स्थिति। और अभी मेरे उसमें संज्ञान में ये भी आया, 2 दिन पहले वहाँ XCN PWD इंजीनियर सब आए थे, उन्होंने रोड का निर्माण कार्य रुकवा दिया था, लेकिन रात ही रात में 1.5 किलोमीटर करीब रोड फिर से पड़ गया, और वो भी मानक के अनुरूप नहीं पड़ा, तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी धांधली। इसकी जांच की जाए? बिल्कुल, इसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी इसमें सम्मिलित है उसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारे मोदी जी के विकास की जो गारंटी है उसके संग धोखा हो रहा है।